दोस्तों नमस्कार। ट्रकों की बिक्री किसी देश की अर्थव्यवस्था की सूचक मानी जाती है। 10 लाख रुपए की डिस्काउंट ट्रक पे दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ट्रक नहीं बिक रहे हैं। दोस्तों, अशोक लीलैंड और टाटा के ट्रकों पे करीबन 10 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन ट्रकों की बिक्री नहीं हो रही है। 40 से 49 टन की ट्रकों पर ये कंपनी करीब करीब 10 लाख रुपए की डिस्काउंट दे रही है, लेकिन ट्रकों का सेल्स नहीं हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बीते कुछ महीनों में ट्रकों की बिक्री में तकरीबन 50% की कमी आ चुकी है। वहीं राजस्थान की हम बात करें, जहां पे 40 से 49 टन की ट्रकों की डिमांड ज़्यादा है, वहां भी तकरीबन 50% की सेल कम हो चुकी है ट्रकों की बात करें तो। वहीं पे अशोक लीलैंड और टाटा जैसी कंपनियां जबरदस्त डिस्काउंट दे रही है ट्रकों पे, लेकिन बिक्री नहीं हो रहा है। अशोक लीलैंड की ट्रक जो 49 टन की ट्रक करीबन 32 लाख रुपए की है, वो अभी 25 लाख रुपए में करीब उपलब्ध है, लेकिन फिर भी बिक्री नहीं हो रही है। वहीं केरला में ट्रकों के डीलर्स का कहना है कि बिक्री में करीबन 40 से 50% की कमी आ चुकी है ट्रकों की बिक्री में। वहीं हम बात करें जो ट्रक खड़े हैं आज के डेट में, जो गाड़ियों की ढुलाई करते थे, कार की ढुलाई करते थे, यानी कि कार जैसे मारुति की कार बनती थी, उसको एक शहर से दूसरे शहर तक ढोते थे, एक एक महीना से वो गाड़ियां खड़ी है। और ऐसी बाकी कंपनियों का भी हाल है जो कार मैन्युफैक्चर है, क्योंकि प्रोडक्शन है नहीं, सेल है नहीं, तो ट्रकों की जो ट्रक उनको ढो के दूसरे शहर में ले जाते थे, वो एक एक महीने से खड़े हैं। और ड्राइवर की तनख्वाह भी आधी कर दी गई है जो उस ट्रक को चलाते थे। हालात ये है कि कई ड्राइवर को तो उनके मालिक 100 रुपये रोज सिर्फ खाने के दे रहे हैं, और फिर भी ड्राइवर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि काम उनके पास भी नहीं है, जाके करेंगे क्या। और कई ड्राइवर तो शायद अपने गांव की ओर जा चुके हैं। दूसरी बात, जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया, उसमें काफी जोर शोर से यह बताया गया कि 5 लाख रुपए का मुआवजा तुरंत, जो रोड एक्सीडेंट में किसी की मौत होती है उसको तुरंत दिया जाएगा। लेकिन ये 5 लाख रुपए, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने या जो भी जिस व्यक्ति की मौत होती है रोड एक्सीडेंट में, उसके परिवार वालों ने उस 5 लाख रुपए को अगर ले लिया, तो वो न्यायालय में फिर नहीं जा सकता बढ़े हुए मुआवजे के लिए। वहीं पर एक चीज बता दूं कि जो पहले होता था, यानी कि अनलिमिटेड मुआवजा वो क्लेम कर सकता था। यहाँ पे दो उदाहरण देता हूँ कि एक मरीन इंजीनियर जिसकी मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, मुंबई की बात है ये, सचिन नाम था उसका, वो मरीन इंजीनियर था, उसकी तनख्वाह करीबन 1 लाख रुपए महीने की थी, जिसको कोर्ट ने 2014 की ये घटना है जब उसकी मौत हुई थी रोड एक्सीडेंट में, कोर्ट ने फैसला दिया 2019 के जुलाई में आकर के कि उसको करीबन 1,22,00,000 रुपए का मुआवजा कोर्ट के द्वारा दिया गया। उसके पिता ने क्लेम किया था 2 करोड़ रुपए के लिए। वहीं दूसरी उदाहरण दे दूं कि एक पायलट की मौत हो जाती है हाईवे में रोड कार एक्सीडेंट में, जिसको करीबन 3,20,00,000 रुपए का मुआवजा अभी दिया गया है। सन 2017 में मुआवजा दिया गया, सन 2015 की वो घटना है। अमूमन हवाला ये दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, या मार्केट में आप जो एड देखेंगे, कि अब मुआवजा तुरंत मिलेगा 5 लाख रुपए का जिनकी मौत रोड एक्सीडेंट में हो जाती है तो। लेकिन वो 5 लाख का मुआवजा अगर किसी ने ले लिया, तो आप फिर न्यायालय में नहीं जा पाएंगे, यानी कि मौत के 3 महीने के अंदर, यानी कि रोड एक्सीडेंट में किसी की मौत होती है तो उसके 3 महीने के अंदर इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख का चेक ऑफर करेगी। अगर वो चेक आपने ले लिया, तो आप फिर न्यायालय में नहीं जाएंगे किसी भी मुआवजे के लिए। पहले जो मुआवजा मिलता था कि उस व्यक्ति की आय कितनी है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उस पर कितने डिपेंडेंट हैं, यानी कि उस पर कितने लोग आश्रित हैं, उसकी उम्र कितनी थी। लेकिन वहीं अगर 5 लाख रुपया, जो बहुत जोर शोर से ये प्रचार किया जा रहा है कि 5 लाख का मुआवजा तुरंत दिया जाएगा मरने वालों को, तो ये जो मुआवजा 5 लाख का तुरंत दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, अगर वो मुआवजा किसी ने ले लिया, तो बढ़े हुए या उसका जो उचित मुआवजा मिलना था, वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ट्रिब्यूनल में। लेकिन जो मैंने करोड़ों की मुआवजा मिली है पीछे लोगों को, जो मैंने आपको बताया है, जो आम इंसान आज के डेट में जो नई रूल बनी है जिसमें 10 लाख तक की कैपिंग है इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी की, अगर 2 करोड़ और 3 करोड़ का मुआवजा कोर्ट तय करती है, तो फिर वो मुआवजा वो गाड़ी का ओनर कहाँ से देगा। और आज की डेट में जहाँ पे 5% ही सिर्फ प्राइवेट व्हीकल की संख्या मानी जाती है सरकारी आंकड़ों के ही हिसाब से, वहाँ पे जो कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं 95% जो और लोग हैं, वो क्या वो इतने अमीर हैं कि 5 करोड़ या 10 करोड़ या 2 करोड़ या 50 लाख का मुआवजा वो घर से देंगे फिर उसके बाद? ये सोचने वाली बात है। इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात जो बताई जाती है कि पहले लोग मोटर ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाते थे, फैसले आने में 4-4 साल 5-5 साल लग जाते थे, इसकी वजह से जो मृतक थे रोड एक्सीडेंट में जिनकी मौत हो जाती थी, उनको समय पे मुआवजा नहीं मिल पाता था, परिवार में दिक्कतें आ जाती थी। तो क्या
हम अपने कानून व्यवस्था को ठीक करके उस न्याय की प्रक्रिया को ऐसा नहीं कर सकते थे कि जो मोटर एक्सीडेंट में जिनकी मौत हो उसका फैसला 60 दिन या 90 दिन या 6 महीने में हो जाए, लेकिन वो ना करके मुआवजा तुरंत 5 लाख रुपए आपको मिलेगा 3 महीने के अंदर, लेकिन वो मुआवजा अगर आप ले लेंगे तो फिर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं किसी और बढ़े हुए मुआवजे के लिए। तीसरी बात बता दूं कि नए एक नियम के मुताबिक अभी यूपी में जो सरिया ट्रक से बाहर लटकता हुआ चलाते थे, किसी की बांस यानी कि बैम्बू बाहर लटकता हुआ जाता था, यानी कि कोई भी माल अगर बॉडी से बाहर लटकता हुआ जाता था ट्रक के, तो उस पर फाइन बढ़ा के 20,000 रुपये कर दिया गया है। यही फाइन पहले 1,000 रुपये था। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि इसकी वजह से एक्सीडेंट तो बहुत होते थे, लेकिन ये जो फाइन की जो जितनी बड़ी फाइन लगाई गई है इसका क्या असर पड़ने वाला है आने वाले वक्त में ट्रांसपोर्टर्स पे, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा ओवरलोडिंग के ऊपर भी 20,000 रुपये का फाइन लगा दिया गया है, जो पहले 5,000 या 1,000 रुपये का फाइन था उसके ऊपर भी 20,000 रुपये का फाइन लगा दिया गया है। और उसके साथ साथ पर टन यानी कि जितना ओवरलोडिंग 1,000 रुपये पर टन अगर पहले जुर्माना था जो ओवरलोडिंग की थी, अब वो भी बढ़ा के 3,000 रुपये कर दिया गया है। ये अलग से लगेगा अगर लो ओवरलोडिंग है तो जो फाइन की रकम 20,000 रुपये हो गई है। दौर ऐसा चल रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स के पास काम नहीं है, दौर ऐसा चल रहा है कि लोग बेरोजगार हैं, दौर ऐसा चल रहा है कि इन लोगों का इनकम नहीं है। उस दौर में सरकार जिस तरह से हर तरफ जुर्माना ही जुर्माना लगाते चल रही है तो सड़क पे शायद चलेगा कौन, ये सोचने वाली बात है। शुक्रिया दोस्तों, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी था, बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक सुरक्षित जरूर चलिएगा। जय हिंद।